आगे बढ़ते हैं अगली खबर झाबुआ से, जहां पुलिस ने गुरुवार को राशन की दुकान के सेल्समैन की हत्या का खुलासा कर दिया। दरअसल शुक्रवार सुबह पुलिस को सेल्समैन का सिर कुचला हुआ शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी का मृतक की पत्नी के साथ संबंध था, जिसके चलते आरोपी ने मृतक को अपने रास्ते से हटाने के लिए दो बदमाशों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। आरोपी युवक भी पेशे से सेल्समैन ही है, जिसे महज 4,500 रुपए की सैलरी मिलती है। आरोपी युवक से जब सुपारी के तौर पर बदमाशों को इतनी बड़ी रकम देने के बारे में पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी ने बताया कि जो हितग्राही राशन की दुकान से अनाज नहीं ले जाते उसे वो 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेच देते हैं, वहीं अनाज की इस कालाबाजारी पर पर्दा डालने के लिए प्रति दुकान 1,500 रुपए और सहकारी संस्था के अध्यक्ष को 5,000 रुपए की रिश्वत दी जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए सेल्समैन महीने में 20 से 25,000 रुपए तक का अनाज बेच देते हैं। आरोपी से हुए खुलासे के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सर वो पता चल बता देते हैं सर राशन ले गया, वो ऐसा बता देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो बोलना पड़ता होगा ना? नहीं पड़ता, तो उनको कुछ देते थे? क्या देते थे? 1-2% 1.5 हज़ार रुपये। और सोसाइटी के अध्यक्ष वगैरह? 5,000 रुपये। तो ऐसा कुल ऐसा करके कितना कमा लेते थे महीने में? सर 20-22 बच्चा 10 इनको भी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के 10-15 हज़ार तो बचा ही गए। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाए जाने से धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की। मुख्य षड्यंत्रकर्ता राहुल नायक तथा मृतक की हत्या करने वाले दोनों आरोपी बच्चू सिंह और राकेश को गिरफ्तार कर लिया।